أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وبالقادر أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا مسلسل علالت کے بعد دل یہی چاہتا تھا کہ ولادت باسعادت کی ان محفلوں میں شرکت کروں اور کچھ دیر آپ کی فکر و نظر کو مصروف رکھوں صورتحال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ملت مسلمہ کے نام ریڈیو پاکستان سے ایک پیغام نشر کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ یہ امر واقعی قابل صد غور و فکر ہے کہ مسلمان یقین رکھتا ہے اس بات پر کہ قرآن معجزہ ہے اور اس یقین کو مسلمان کے گزرتے ہوئے سنین و سال آج تک نقصان نہ پہنچا سکے اس کا اعتماد ہے اس کا ایمان ہے بحیثیت مسلمان کے اس کا عقیدہ ہے کہ قرآن نے خود اپنے اعجاز ہونے کا اعلان کیا اور یہ حق ہے کہ وہ معجزہ ہے اور دائمی معجزہ ہے یعنی اس معجزے کو قیامت تک رہنا ہے اور قیامت تک کے لیے وہ اعجاز ہے تو میں نے 12 ربیع الاول کو
अपनी तकरीर नशर करते हुए ये दावत फिक्र दी थी कि इस मोजिजे में जिसको कयामत तक रहना है, खुदावंदे आलम ने अपने हबीब का जिक्र इस अंदाज से किया है, उस बुलंदी से किया है, इस मकरमत से किया है कि ऐसा मालूम होता है कि कुरान के साथ साथ ज़ात वाजिब ने गोया उस नबी को भी मौजज़ा बना दिया। मेरे इन जुमलों पर गौर कीजिए, कुरान मौजज़ा है और दायमी मौजज़ा है। उस दायमी मौजज़े में जब पैगंबर का जिक्र किया तो आलमीनी अंदाज में किया, आफाकी कैफियत के साथ किया, हमगीर जामियत के साथ किया, और फिर अंदाज गुफ्तगू कभी इस तरह से के नजीरन लिल आलमीन, कभी लकब ये रहमतुन लिल आलमीन, कभी इरशाद ये के काफतन लिन्नास, कभी सिराज मुनीर और शाहिदो मुबशिरो नजीर, यानी ऐसे मुहीत अलकाब दिए गए कि जिससे पता चलता है कि इस बाकी रहने वाले मोजज़े में जब अपने हबीब का जिक्र आलमीनी पैराए में किया तो यकीनन उस नबी की वो 23 बरस की जिंदगी ही सामने नहीं है कि जिस 23 बरस में नबूवत का काम खत्म करके पैगंबर दुनिया से चले गए, अगर कुरान ने फकत वो 23 बरस की जिंदगी को महफूज किया है और उस 23 बरस के लिए ये सब कुछ हुआ है, तो फिर भी मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि वो किस कदर के 23 बरस होंगे, वो किस वैल्यू के 23 बरस होंगे कि जिन 23 बरस का जिक्र कयामत तक के लिए आलमीनी अंदाज में मिल्लत तक पहुंचाया गया और इरशाद हुआ कि वो 23 बरस की खिदमत नहीं थी बल्कि आलमीन के लिए एक रहमत थी और है और रहेगी। ये एक दिलचस्प मसला होगा कि कुरान मजीद ने आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा और दूसरे रसूलों का जिक्र ऐसी आफाकियत के साथ और आलमीनियत के साथ नहीं किया और खत्मी मर्तबत का जिक्र जब इस अंदाज से हुआ है इस बाकी रहने वाले मोजज़े में, तो पता चला कि यकीनन खत्मी मर्तबत के नाम को, उनके काम को, उनके अमल को, उनकी जिंदगी को आलमीनियत से गहरा ताल्लुक है, आलमीनियत से गहरा ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर 23 बरस काम किया, आज तक अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह,
आज तक और कयामत तक अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो ये हमगीरियत है, ये आलमीनियत है कि हम गवाही देते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हर दौर में, हर असर में, हर जमान में, हर मकान में हैं। मिल्लत मुस्लिमा की निगाह खत्मी मर्तबत की आलमीनियत पर न जा सकी, हमगीरियत को न देख सकी, उनकी आफाकियत को न पहचान सकी। मिल्लत तारीख में मुकय्यद हो गई और उन्होंने जो रिवायतें ली उनकी जिंदगी को बतलाने के लिए, उन रिवायतों के एतबार से तो खत्मी मर्तबत की जिंदगी कुरान की जिंदगी से कुछ अलग होकर रह जाती है। कुरान में जिस तरह से खत्मी मर्तबत को पेश किया और रिवायतों में जिस तरह से पेश किया, दोनों में बड़ा फर्क आ जाता है, बड़ा फर्क आ जाता है। और इस तरह से कुरान का पेश किया हुआ तसव्वुर और कुरान की बतलाई हुई फिक्र को हम रिवायात में नहीं देखते। मैं एक तवील तकरीर के लिए आमादा नहीं हूं, चंद अहम और जरूरी बातें आप तक पहुंचनी है। वो ये कि आज खत्मी मर्तबत के लिए जो कुछ भी लिखा जा रहा है और जो कुछ भी लिखा जाता रहा, वो मगाजी से लिया हो या कुतुब सियर से लिया हो या अस्हाब की रिवायतों से लिया हो या उम्महातुल मोमिनीन के बयानात से लिया हो, ऐसा मालूम होता है कि जहां कहीं से खत्मी मर्तबत की तारीख को लिया गया है वहां तारीख को बयान करने वाला चूंकि पा न सका जात खातम को, इसलिए उसने गुफ्तगू में हदबंदी कर दी और उसने अपनी फिक्र को फिक्र पैगंबर पर मोहित किया और एक ऐसे इंसान का तसव्वुर पेश किया जो रिफॉर्मर, मुसलिह, वक्त की तखलीक, जमाने के हाथों हैरान होकर उसमें तब्दीलियां पैदा करने का आजम और माजी की रस्मों से तंग आकर नई राहें बयान करने की ये कुव्वत और इसके सिवा कुछ नहीं। इस तरह से रसूल को पेश किया। अब वही लिटरेचर हमारा, तारीख भी है, इस्लामियात भी है, वही लिटरेचर हमारा, तारीख खातम भी है, तारीख इस्लाम भी है, और उसी लिटरेचर पर हमारे गोया हमारी कौमी जिंदगी की बुनियाद रखी जाती है कि ये मुस्लिम लिटरेचर है। तो अगर आप महफूज कर सकें, याद रख सकें, तो इन जुमलों को याद कीजिए
कि क्या वाकई खत्मी मर्तबत की जात गिरामी ऐसी है कि हम उनकी जात गिरामी को हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए से समझें? क्या वाकई कत्मी मर्तबत की जात गिरामी ऐसी है कि उस जात को समझने के लिए हम उन हस्तियों की तरफ नजर डालें कि जिन्होंने अपने मफादात वक्ती को पैगंबर से वाबस्ता कर रखा था और मुताहिलाना जिंदगी के नाम से औकात पैगंबर के बांट लिए थे कि आज पैगंबर यहां रहेंगे, कल वहां रहेंगे, परसों रात वहां रहेंगे, तो अब जिसके पास रहे वो वाकयात पैगंबर के बयान करे, तो क्या तारीख अब इसी अम्र की मुतलाशी है कि रिवायत का माखज ये लोग बने? आप महसूस कर रहे हैं क्या कहा जा रहा है? क्या ये माखज है पैगंबर की जिंदगी का? और अगर ये माखज है तो फिर यकीनन निगाह कभी मुए अकदस तक जाएगी, कभी गुलूए अकदस तक जाएगी, कभी चश्मे अकदस तक जाएगी, कभी सीने अकदस तक जाएगी, कभी पाए अकदस तक जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा पैगंबर की कुछ सकावत, कुछ इबादत, कुछ शब्बेदारी काबिले जिक्र होकर रह जाएगी। अगर माखज ये है, और अगर माकज ये है, तो पैगंबर में फिर आलमीनियत नहीं है, आफाकियत नहीं है, हमगीरियत नहीं है। और अगर माकज आप बदल देते हैं, यानी अगर आप अपने सोर्सेस को बदल देते हैं कि हम किन जराए से पैगंबर की जिंदगी को लें, तो यकीनन आपको फायदा होगा, फायदा होगा। तो सोर्सेस हमारे पास भी हैं, और पहला सोर्स, पहला माकस के जिसने पैगंबर की जिंदगी को पेश किया वो कुरान है। अब ये और बात है कि कुरान समझ में नहीं आता या कुरान की तावील हज़्ब मर्जी हो रही है, वो और बात। मगर कुरान को इस एतबार से पढ़ना कि जैसे तर्जमा कोई कर ले, सिर्फ तर्जमा, तो कम से कम उसके लिए तो मिल्लत तैयार हो, उसके लिए तो मिल्लत तैयार हो। अंग्रेज ऑथर्स ने कुरान की तफसीर करते हुए जब मुकदमा लिखा पैगंबर पर, इंट्रोडक्टरी नोट लिखा पामर ने खुसूसन, तो उन्होंने लिखा कि इनकी इब्तदाई जिंदगी का तो पता ही नहीं, जवानी के मुताल्लिक सिर्फ इतना जानते हैं कि खतीजा ने इनको रूशनास करवाया। हम जो कुछ जानते हैं वो उस दिन से जानते हैं जिस दिन से कि इन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। पामर ने भी जो सोर्स बनाया वो हमारी ही किताबों को बनाया, वो कहीं और नहीं गया, उसने भी सही बुखारी शरीफ को देखा, उसने भी सही तिर्मिजी शरीफ को देखा, उसने भी मुख्तलिफ सहाबे किराम की रिवायतों को सुना, और सुनकर उसने ये राय कायम की कि इब्तदाई जिंदगी के मुताल्लिक तो कुछ नहीं कह सकते। तो
तो जाहिर है कि हम भी इब्तदाई जिंदगी के मुतालिक तफसील नहीं देना चाहते, मगर अगर कुरान जैसा मोजेजा ये कहे कि मा वद्दा का रब का वमा कला, तेरे परवरदिगार ने कभी तुझको अकेला नहीं छोड़ा, तेरे परवरदिगार ने तुझको कभी अकेला नहीं छोड़ा, तो न तिफली में तन्हा रहे, न जवानी में तन्हा रहे, न तिजारत के काफिले ले जाते हुए तन्हा रहे, किसी मकाम पे तन्हाई साबित नहीं है। हम साथ थे, हम साथ थे। और दूसरे मकाम पर सूरह तूर में कुरान ने कहा वस्बिर ले हुक्म रब्बिक इन्नका बिआयुनना, अभी नबुव्वत आई नहीं है, आवाज आई, अपने रब के हुक्म का इंतजार कर, इसलिए कि तू हमारी आंखों के सामने परवान चढ़ रहा है। इन्नका बिआयुनना, तू हमारी निगाहों के सामने परवान चढ़ रहा है। तो जहां निगाह बारी लगी हुई हो, जहां निगाह बारी साथ साथ हो, जहां निगाह बारी के सामने खत्मी मर्तबत आगे बढ़ रहे हो, वहां बेख्तियार कुरान का ये हवाला मा वद्दा का रब का वमा कला, तेरे परवरदिगार ने कभी तुझको तन्हा नहीं छोड़ा। तो ऐसे मौके पर जमाने कबल नबुव्वत का तायुन मिल्लत के लिए आज भी हैरान कुन है। मेरे जुमले को आप समझ रहे हैं, नबुव्वत आने से पहले नबी क्या थे, किस दीन पर थे, किस आईन पर थे, किस दस्तूर पर थे, आपका रस्म रिवाज से क्या रब था, मिल्लत खामोश है। और अगर कुरान पे नजर होती तो इमाम फखरुद्दीन राजी एक आयत की तफसीर करते हुए लिखते हैं, वो तवक्कल अलल अजीज रहीम अल्लज़ी यराक हीन तकूम व तकल्लुबुका फिस्साजिदीन, और तू भरोसा कर गालिब रहीम पर जो तुझको देखता है जब तू क़याम करता है, और तुझको देखता है जब तू पलट पलट कर सजदा करने वालों में आता है। इमाम फखरुद्दीन राजी ने कहा कि इस आयत के माना ये है कि नूरे पैगंबर बराबर अंबिया में मुनकलिब होता रहा। तो अगर ये आयत रहबरी करे और कुरान जैसा मोजज़ा पैगंबर की इस कैफियत को कबल नबुव्वत की बयान करे, तो मिल्लत के लिए चाहिए कि एक सिलसिले से अपनी फिक्र को एक फॉर्मूले में ढाले कि नबी के लिए कुरान ने क्या तारीफ की है, क्या तौसीफ की है, उसकी आलमीनियत क्या है, उसकी आफाकियत क्या है। बहरहाल ये उन्वान दिलचस्प भी है और जरा सा आपकी फिक्र और नजर के लिए एक दावत भी कि आखिर किस मकाम पर और क्यों ये माखज बदल दिए गए। यानी पैगंबर की जिंदगी को लेना था कुरान से, बजाय इसके पैगंबर की जिंदगी को लिया उन हलकों से कि जिन हलकों से मफादात वाबस्ता थे, जिन हलकों से मफादात वाबस्ता थे कि हमको ये फायदा पहुंचा, हमको ये फायदा ना पहुंच सका,
हमको इस तरह से हमसे सुलूक किया गया, हमसे ये तरीका अमल रहा, तो जहां मफाद वाबस्ता था वहां गुफ्तगू मफादात की हद तक हुई कि खत्मी मर्तबत ने इस तरह से अपने आप को पेश किया। जहां तक मक्की जिंदगी का ताल्लुक है, आपको ताज्जुब होगा कि 12 बरस मक्की जिंदगी के तारीख इस्लाम खामोश है। कभी कभी एक हवाला आता है तो इस तरह से आता है, इस सन में ये मुसलमान हुए, उस सन में वो मुसलमान हुए। कभी कभी अगर फुकहा ने जोर दिया तो इतना जोर दिया कि इस सन में ये तशरीह हुई और उस सन में ये हुक्म लाजिम हुआ, बस। और इसके बाद फिर एक खला। किसी सीरतुन नबी की किताब को उठा के देखिए, वो शिबली सही। जमाने आगाज नबुव्वत को फिर तारीकी में डाल दिया गया, हालांकि जमाने आगाज नबुव्वत में तो मुसलसल आयतें आ रही थी, कम अज कम आयतों को माखज बनाया जाता। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि जिस तरह से मक्के वालों ने पैगंबर को देखा या कुफार कुरैश ने देखा और देख के किसी ने कहा साहिर कज़्ज़ाब, झूठा जादूगर है, किसी ने कहा मुअल्लम मजनून, जुनून के आलम में इसकी तालीम दी गई है, जुनून से इसको इल्म मिल रहा है, इस पर किसी का असर है। किसी ने यह कहा कि यह रास्ते से हट गया, बहक गया, तो कुरान मजीद ने यह डेटा भी कलेक्ट किया है कि इस वक्त यह कहा गया, इस वक्त यह कहा गया, इस वक्त यह कहा गया, और उसके बाद यह बतलाने की कुरान ने कोशिश की कि जिस जिसका मफाद टकरा रहा था उसने यह नाम दिए, मजनून कहा, दीवाना कहा, साहिर कहा, कज़्ज़ाब कहा। और वही लोग बाद में मुसलमान हो गए, वही लोग बाद में मुसलमान हो गए। तो अब जब पहले साहिर कहा, अब क्या कहें? पहले कज़्ज़ाब कहा, अब क्या कहें? पहले कहा इन्ना हाज़ा लशयून उजाब, ये तो बड़ा ताज्जुब खेज अमर है, अब क्या कहें? पहले कहा लौला नुज़िल हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रियतैन अज़ीम, ये किसी मालदार आदमी पे क्यों नहीं आया कुरान, अब क्या कहें? तो आपने देखा अब तारीख इन्हीं लोगों के हाथ में आई, तारीख इन्हीं लोगों के हाथ में आई और माखज़ यही लोग बने, माखज़ यही लोग बने। तो इसके बाद अब क्या रह जाता है तारीख इस्लाम में? और ये हमारे महाफिल, ये हमारे मजालिस जहां हम रक्स व वज्द व सुरूर के आलम में खत्मी मर्तबत का जिक्र करते हैं, ये किस कदर जिस्मानी अंदाज तक महदूद हो जाता है, कहां तक ये जाहिरी हुदूद में महदूद हो जाता है, इसका अंदाजा आप बखूबी कर सकते हैं। और अगर कभी हमने इस अंदाज में गुफ्तगू की कोशिश की तो हमारे लिए एक अजीब बात यह है कि जिसको वाज़े हो जाना चाहिए वो ये कि अव्वल तो उनवान मजलिस ही बहुत सों को खटकता है ना, उनवान मजलिस बहुत सों को खटकता है। जहां मजलिस है तो वहां फौरन जहन ने एक तस्वीर कायम की, फिक्र की और कहा या हुसैन या अली और बस।
मौके पर अगर खत्मी मर्तबत का जिक्र इस अंदाज से किया जाए तो अब सुनने वालों की फिक्र यूं काम करने लगती है कि इस बुलंदी पर क्यों ले जा रहे हैं पैगंबर को। इस बुलंदी पर क्यों ले जा रहे हैं और वहां से फिर खोज भाई हम ले जा रहे हैं, हम ले जा रहे हैं, खुदा ले जा चुका, हम ले जा रहे हैं। हमने कहा है रहमतुन लिल आलमीन, हमने कहा है नजीरन लिल आलमीन, हमने कहा है सिराज मुनीर रोशन चराग, रोशन चराग, चराग रोशन है तो माना ये कि खुद पता चलता है कि गढ़ा किधर है, रास्ता हमवार कहाँ है, मकान में कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, कौन सी चीज क्या है। अगर चराग रोशन है तो इल्म है, इल्म है। हमने इस अम्र की कोशिश की कि खत्मी मर्तबत को जिस जिस तरीके से कुरान ने याद किया उस तरीके से खत्मी मर्तबत को पेश करने की हमने कोशिश की। मीलाद हो या मजलिस, थोड़ी सी तवज्जो कीजिए, मैं थक रहा हूं, मैं ज्यादा देर तक नहीं बोलूंगा। हमने कोशिश की कि मीलाद हो या मजलिस उसी फिक्र को पेश किया जाए जिसको कुरान ने पेश किया है। अगर हुसैन का नाम आया तो हैरत की और घबराने की बात क्या थी, एक जलवा मोहम्मद है, और अगर अली का नाम आया तो उसमें नदामत की बात क्या थी, उसमें खिजालत का मकाम क्या है, वो एक तजल्ली मोहम्मद है। इस तरह से हमने पेश किया ताकि उस बुलंदी पर, उस बुलंदी पर कोई हद न वाके हो, उस बुलंदी पर किसी की निगाह बद न जाए, उस बुलंदी को कोई पस्ती से अपने जहन की न बदले। इसलिए हमने अगर सिफात के साथ साथ मजाहिर को पेश किया तो उस बुलंदी से पेश किया ताकि आपके माखज सही रहें। मेरे अल्फाज को अब आप समझ गए, यानी आपके सोर्स से सही रहे। इसलिए अजीजाने करामी हमारा एतजार, हमारी अपोलोजी आप कबूल करें। हमने पैगंबर की जिंदगी को या कुरान से लिया है जो बेरैब है, या अहले बैत से लिया जो बेआए, हमने पैगंबर की जिंदगी को या कुरान से लिया कि जिसकी तारीफ यह है कि लाओ यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, या अहले बैत से लिया कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्ज़ा अहलल बैत। इस तरह से हमने ये दो माकज अपने लिए मुनासिब समझे और उन्हीं से पैगंबर की जिंदगी को लिया। अब तकरीर खात्मे पर जा रही है, कुछ याद कीजिए, कुछ समझिए, और हो सके तो कल मरकजी इमाम बारगाह में मैं इसी सिलसिले को खात्मे तक पहुंचा सकूंगा। कोई और नई बात तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके जहन में रहें ये बातें, क्योंकि इस महीने में आप बहुत सी महफिलों में जाएंगे ना, बहुत से मिलाद ऐसे होंगे जिसमें आप शरीक होंगे। एक बात बताइए, वो ये क्या पैगंबर ने ये कहा था कि मेरी जिंदगी को फुला सहाबी से लो? पैगंबर की कोई वसीयत है? क्या पैगंबर ने यह कहा था कि मेरी जिंदगी के मुताल्लिक अगर मालूमात करना है मेरे उन घर वालों से पूछो
कि जिनके साथ मेरी जिंदगी बसर हुई, पैगंबर ने कुछ कहा नहीं, पैगंबर ऐसा कह नहीं सकते थे, इसलिए ऐसा कहने के लिए भी वही चाहिए। ऐसा कहने के लिए भी वही चाहिए कि पैगंबर अपना सोर्स बतलाए, अपनी जिंदगी का माखज बतलाए, तो उसके लिए भी वही आए, वही आई कि काफिर कहते हैं कि तू मुरसल नहीं है, कौन तू कह दे, कफा बिल्लाही शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, मेरे दो गवाह हैं, या खुदा है या आलिम किताब। अब दो सोर्स हुए, या खुदा गवाह है पैगंबर पर, या वो गवाह है जिसके पास इल्म किताब, या वो गवाह है जिसके पास इल्म किताब है। मैंने सदहा ऐसी तकरीरें की हैं जहां मैंने उन्वान ही ये रखा था कि नबी को वसी किए इरशादात से समझने की कोशिश करो। मैंने बार बार कहा नबी अली की नजर में, नबी अली की निगाह में, क्यों? इसलिए कि मन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास किताब का इल्म है वो ज्यादा जानता है कि नबी का मकाम क्या है। गुफ्तगू अब आप समझ गए, आखिरी जुमलों को फिर दोहराते हैं, वो ये कि खत्मी मर्तबत ने अगर कोई ऐसी वसीयत की है कि मेरी जिंदगी और मेरी सवाने उम्री जमा करने के लिए मैं फुला 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 को शूरा करार देता हूँ, मजलिसे मुशावरत करार देता हूँ, इन लोगों से पूछ के मेरी लाइफ लिखो, अगर ऐसी वसीयत की है तो मुबारक, और अगर नहीं, कुरान ये कह रहा है कि खुदा शहीद है तो खुदा शहीद है के माना वही रब्बानी शहीद है, यानी कुरान शहीद है, और वो शहीद है जिसके पास किताब का इल्म है, वो गवाह है। तो फिर अच्छा है अगर मिल्लत मोहम्मद को अली की निगाह से देखे, क्या ख्याल है? अच्छा है ना अगर मिल्लत मोहम्मद को अली की निगाह से देखे, मगर यह देखना आसान नहीं है, यह देखना आसान नहीं है, इसलिए कि अली की निगाह से मोहम्मद को देखने के माना यह है कि अपने मफादात को छोड़ो, अपने ज़ाती ख्वाहिशात को छोड़ो, और ये मालूम करने की कोशिश करो कि तुम्हारी तारीख लिपटी हुई है, तुम्हारी तारीख रोल करती है, तुम्हारी तारीख को लपेटा गया है मुलूकियत की फिक्र पर। बातों को समझ रहे हैं? नहीं। वाकये को सुन लीजिए। साहेब इस्तियाब ने अबू सुफियान की तारीख लिखी है मुख्तसर सी, और उस तारीख में लिखा है कि फतह मक्का के दिन जब 12,000 का लश्कर लिए हुए खत्मी मर्तबत मक्के के दरवाजे पर पहुंचे, तो अबू सुफियान ने अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का हाथ झिंझोड़ कर कहा, लकद सारा मुल्क इब्ने अम्मे का अजीमा, के तेरे चचाज़ इब्ने अब्बास से कहा कि तेरे चचाज़ाद भाई का मुल्क तो बहुत बड़ा हो गया मुल्क। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास
ने कहा मुल्क नहीं नबुवत, वो है निगाह अबू सुफियान जो मुल्क के साथ लिपटी हुई है। तलवारों को देखा, फौजों को देखा, हमले की कुव्वतों को देखा, बद्र की शिकस्त को देखा, खैबर के मारिके को देखा, अब फतह मक्का को देख रहा है। तो तारीख मोहम्मद लिपट गई उनकी निगाहों में फुतूहात के साथ। अब वो अबू सुफियानी निगाह तारीख में जहां तक जाएगी, जहां तक जाएगी इस्लाम की तारीख, बस यही रहेगी कि यह फतह हुआ, यह फतह हुआ, यह फतह हुआ। और यहां तक पहुंचे और हार्ट ऑफ यूरोप में आ गए, स्पेन तक पहुंच गए। और फिर जहां जहां से वापस हुए वहां से तारीख भी वापस हुई, तारीख भी वापस हुई। तो अब अगर इस्लाम नाम है उस तारीख का जो फतह के साथ फैले और शिकस्त के साथ सिमटे, तो फिर यह दीन की तारीख नहीं है, यह दीन की तारीख नहीं है, यह तो शाही की तारीख है। तो इस एतबार जिसने खत्मी मर्तबत के जलाल को मदनी फुतूहात में देखकर उनको मुल्क के साथ वाबस्ता कर दिया, उसने मलकूत पैगंबर को नहीं देखा। और अली की निगाह ने क्या देखा? अली की निगाह ने यह देखा कि बजाहिर जब भाई को गुस्ल दे चुके, कफन पहना चुके, तो जसद अक्दस पैगंबर को फातह खैबर ने अपने हाथों पर उठा लिया और आवाज दी, अल्लाहुम्मा हाजा अव्वलुल अदद व साहिबुल अबद। परवरदिगार, ये तेरी गिनती का पहला अदद है, ये तेरी अबदियत का साथी है। मैं उसी जुमले पर आ रहा हूं, ये अली की निगाह है, रूहु नुस्खतुल अहदियत फिल्लाह, उसकी रूह अहदियत के आलम में, लाहूत के आलम में अहदियत का नुस्खा थी। वह जिस्महु सूरतो मानिल मुल्क वल मलकूत, और उसका जिस्म मुल्को मलकूत इलाही का आईनदार था। यह निगाह अलवी है, निगाह अलवी खत्मी मर्तबत को मलकूत से वाबस्ता देखती है, निकाह है अबू सुफियानी खत्मी मर्तबत को फुतूहात के साथ वाबस्ता देखती है। और अब तारीख के दो धारे हैं। एक तारीख वो है कि जहां आपको पता चले कि ये बद्र, ये ओहद, ये खैबर, ये खंदक, ये 87 गजवात, और उसके बाद ये अफ्रीका, ये स्पेन, ये उंदलुस, ये हिंदुस्तान, ये सिलाउन, ये चाइना, ये एक तारीख है। और एक तारीख वो तारीख इल्म है, तारीख इरफान है, तारीख ईमान है, तारीख मोहब्बत रसूल है, नहीं तारीख है कलमा तैयबा की, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। बहरहाल ये फिक्र बहुत अमीक हो जाती है और मैं
कभी नहीं चाहूंगा कि इससे ज्यादा आपका वक्त लिया जाए, लेकिन मेरी इन बातों पर बहुत नजर रहे, बहुत नजर रहे। इसलिए कि जब एक बहस छिड़ जाती है फिर सिलसिले छिड़ जाते हैं गुफ्तगू। या मोल किया मलकू, या मोल किया मलकू, और फिर इस अंदाज में खत्मी मर्तबत को देखना कि उनकी लाइफ के लिखने वाले सोर्सेस को लें, उन मुकामात के जहां खत्मी मर्तबत की 63 बरस की जिंदगी में कोई आदमी फकत 1 साल साथ रहा है, कोई 6 महीने साथ रहा है, कोई 2 बरस साथ रहा है। हजरत अबू हुरैरा इस 63 बरस की जिंदगी में फकत 3 साल साथ रहे हैं। फतेह मक्का में आए और 20,000 अहादीस लेकर आए। इनका एक बड़ा दिलचस्प वाकया है और बहुत गौर के काबिल है। ये जाहिर है इनका एहसान है आलम इस्लाम पर, इतना बड़ा इन्होंने मैटर दिया है इस्लाम को, इतना मैटर दिया है कि उसका इकट्ठा होना एक मकाम पे दुश्वार हो गया है। इतना बहुत सा लिटरेचर एक बुजुर्ग से हमको मिला है। ये हजरत अबू तालिब के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। हजरत अबू तालिब के मुतालिक गुफ्तगू करते करते फरमाने लगे कि जब हजरत अबू तालिब के इंतकाल का वक्त आया तो रसूलुल्लाह ने कहा, चाचा जान कलिमा पढ़ो। तो अबू तालिब ने कहा मेरे बेटे, मैंने इतनी मदद की तुम्हारी, अब कलिमा क्यों पढ़वाते हो? और यह कह के आपने इनकार कर दिया। हजरत अबू तालिब की वफात मक्के में है, मक्के में। यह शख्स मदीने में आकर 8 बरस के बाद मुसलमान हुआ और अबू तालिब की रहलत का हाल बयान कर रहा। अब जितनी रिवायतें हमको मिलती हैं इस अंदाज से, तो हम ये सोचते हैं कि अगर ये सोर्स है खैबर के बाद ईमान है। और हदीस ये है कि खैबर में जोहर की नमाज भूल गए, सोर्स यही है, नमाज भूल गए। और उसके बाद यही बुजुर्ग कहते हैं, लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप भूल गए या आपने कसर किया? तो आपने इरशाद फरमाया, न भूला न कसर किया। और ये कह के फिर नमाज पढ़ी, ये कह के फिर नमाज पढ़ी। हैरत ये होती है कि अब ऐसी जिंदगी के सीधा मुख्तलिफ वाकयात को मुख्तलिफ मकामात से लेकर उसको मुनज्जम करना और उस मुनज्जम शुदा सरमाए पर नजर डालना, खुदा की कसम ऐसा मालूम होता है कि जैसे किसी कौम के किसी मुसलह का किस्सा है, किसी कौम के किसी रिफॉर्मर का किस्सा है, और कुछ नहीं। उसमें सहो भी है, नसियान भी है, भूल जाना भी है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिस पे इताब भी आया है, और फिर उस पे तारीफ पैगंबर की। बहुत अफसोसनाक हकीकत है ये, तारीफ पैगंबर की यहां से की जाती है। और ये मेरे लिए एक अजीब वाकया है कि जिस दिन मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा था रेडियो पाकिस्तान से, मुझसे कुछ पहले जो तकरीर हुई वो ये थी कि उस पैगंबर की उलुल अजमी का क्या कहना, कि जैसे जैसे खुदा इसको डराता जाता था, तहदीद करता जाता था कि तुमने ये गलत किया, तो इसकी दियानत का ये हाल था कि वही आयतों को पैगंबर फिर पढ़ देते थे। चुनाचे वो सूरा अबसा व तवल्ला, कि तुमने फकीर को देख के क्यों मुंह फेरा, इसमें तहदीद थी, गुस्सा था,
अगर पैगंबर चाहते आयत को भूल जाते, आयत को कुरान में ही रखते, मगर बड़ी दयानत थी तबीयत में, गुस्से वाली आयत को भी रखा। तो आपने देखा कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहाने हरम बे तौफीक, उसमें है अबासा, वो मुंह फेरा, वो और यहां तर्जमा हुआ तू। अब वो जिसने मुंह फेरा वो तो ले गया अपनी तारीख को किसी और तरफ, और पैगंबर आ गए सामने और इनकी दियानत पे गुफ्तगू हुई कि दियानत पैगंबर ये है कि ऐसी ऐसी आयतों को भी पैगंबर ने कुरान में रहने दिया, रहने दिया। तो अब इस अंदाज से जहां जहां महफिलों में तस्करे होंगे वहां मिल्लत का सही माना में मरकज फिक्र मुतजलजल रहे, और सही माना में मैं तो यह कहता हूं कि मिल्लत की तरक्कियों का गला घोटा जाएगा, कि जिस मिल्लत को वाकई उस तरक्की की मंजिल पर जाना चाहिए यह देखकर कि उसका रहबर ऐसा है, उसका पैगंबर ऐसा है, उसका लीडर ऐसा है, वहां जो लाइफ आई सामने तो इस तरह से आई, इस तरह से आई। तकरीर खत्म हुई, आखिरी जुमले, घराने ने यह जद्दोजहद की कि यह दुनिया तो लिपटेगी मुल्क के साथ और हम जाएंगे मलकूत के साथ, हम जाएंगे मलकूत के साथ। तो फर्क क्या था? फर्क यह था कि मंसूर दवानिकी की दरबार में 10,000 मरतबा एक महफिल में मोहम्मद 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 का नाम आता, मंसूर दवानिकी के दरबार, और इमाम सादिक के सामने नाम आया, आपने सर झुका के कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, यहां तक के रिवायतों में ये अल्फाज आए कि अपने जद का नाम जब लिया जाता तो सर को इतना झुकाते कि देखने वाले ये समझते शायद सजदा करेंगे। ये अजमत है, ये अजमत है, सर को इतना झुकाते कि देखने वाले समझते सजदा करेंगे। अब भी ये दो राहें तुम्हारे सामने हैं, एक मंसूर का तरीका फिक्र है, एक सादिक आले मोहम्मद का तरीका फिक्र है। बस हो गई तकरीर, इन्ना सलावातना अलैकुम वमा कस्सना बिही मिन वलायतकुम وجعل صلواتنا عليكم وما قصنا به من ولايتكم طيبا لقلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا। हम जब आप पर दुरूद भेजते हैं तो हमारी मोहब्बत और हमारे दुरूद को अल्लाह ने हमारी विलादत की तहारत का जरिया बनाया। हमारे गुनाहों का कफारा बनाया, दुरूद, दुरूद से आज भी मोमिन पहचाना जा रहा है। मेरी बातें आप समझ रहे हैं? कहीं और है ये फक्र आपको? किसी और जगह भी आपने देखा है कि सिर्फ नाम जबान पर आए तो सुनने वाले किस शौक से सर झुकाते हैं? क्यों? क्यों? इसलिए कि
ये शुक्र करने वाले बंदे हैं, शुक्रगुजार बंदे हैं, ये नाशुक्रगुजार नहीं है। पैगंबर ने जाहिलियत से हटाया है, दीन दिया है, आईन दिया है, दस्तूर दिया है, नाम दिया है, इज्जत दी है, शरीयत दी है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। तो आज चूंकि शब विलादत बा सआदत है, इसलिए दिल चाहता है कि आप हम सब मिलकर तीन मर्तबा बावाद बलंद दुरूद पढ़ें। खुदावंदा वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको तौफीक इल्म व अमल अता फरमा, हमको मारिफत की राहें बतला, जब तक जिंदा रहें आले मोहम्मद के बन कर रहें, और जब तेरी बारगाह में आए आले मोहम्मद के बन कर आए। मैं दरख्वास्त करूंगा सरकार मिर्जा पूया से, मद्दज़िल्लहू से, कि वो सरकार रिसालत में आपकी जियारत पढ़वाएं। अस्सलामु अलैकुम या